क्रिप्टो कानून में आपका स्वागत है। अभी हम लोग जेनेसिस डेवकॉन बैंगलोर में थे, वहाँ काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी जायंट्स थे जो अपना अपना केस प्रेजेंट कर रहे थे, प्रेजेंटेशंस दे रहे थे, और वो ये प्रेजेंटेशंस दे रहे थे किस तरीके से वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रोजेक्ट्स में वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन के दौरान जब हमने उनकी बातें सुनी और जब प्रेजेंटेशन के बाद उनसे जब फॉर्मली पब्लिकली जब ये हमने हमारी ये डिस्कशन हुई कि आपको अगर ये नैरेटिव है ब्लॉकचेन अच्छा है और क्रिप्टो बुरा है, ब्लॉकचेन इज़ गुड एंड क्रिप्टो इज़ बैड, तो उनका क्या टेक है इस पर, तो सबका एक मत से कहना था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अच्छी है और क्रिप्टो बुरा है। तो पब्लिकली जब आप उनसे बात करते हो तो वो क्रिप्टो को हमेशा बुरा ही कहते हैं, लेकिन जब आप वन टू वन डिस्कशन करते हो इन कॉर्पोरेट के इन रिप्रेजेंटेटिव से और आप कहते हो क्या वाकई में ओपन ब्लॉकचेन के अगेंस्ट हो, जैसे कि बिटकॉइन इथेरियम के अगेंस्ट है, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, ब्लॉकचेन इनफैक्ट ओपन ब्लॉकचेन जो है वो बेस बनता है स्टडी के लिए, जो बाकी उनकी जो परमिशन ब्लॉकचेन के लिए या ब्लॉकचेन की और रिसर्च के लिए उनको ओपन ब्लॉकचेन को स्टडी करना पड़ता है, उस टेक्नोलॉजी से वो फैसिनेटेड। इनफैक्ट जब हमने उनसे पूछा कि जो जितनी भी ओपन ब्लॉकचेन्स हैं उसमें से कौन सी उनकी जो फेवरेट है, जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम में, इनमें से कौन सी उनकी ओपन ब्लॉकचेन फेवरेट है, तो कहते हैं जो बिटकॉइन के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है, वो जो बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है वो उनकी सबसे फेवरेट है, बिकॉज जिस तरीके से सतोशी तो वो नहीं कहते, वो कहते हैं जिस तरीके से जिस इंसान ने उसको डिज़ाइन किया है वो बहुत फैसिनेटिंग है, क्योंकि वो बिल्कुल फुल प्रूफ है, उसके पीछे मैथमेटिक्स है वो बहुत ज़बरदस्त है। काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स का ये कहना है कि वो क्रिप्टो के अगेंस्ट इसलिए क्योंकि क्रिप्टो जो है वो मॉनेटरी सिस्टम के अगेंस्ट है, लोगों का उसमें पैसा बहुत जा रहा है, डेबिट क्रेडिट ही करना है तो आप जो है वो नॉर्मली जो फियाट है वो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, और जो नॉर्मल तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के वो ज़्यादा बेहतर हैं। तो उस बेस पे हमने उनसे डिबेट नहीं करी, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता लग गया कि वो ओपन ब्लॉकचेन्स की, बिटकॉइन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, फैसिनेटेड है, कदर करते हैं, और उसके रिसर्च के बेसिस पे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर वो चीज़ें वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ऐसा ही इंपॉर्टेंट फीडबैक्स होते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमने फील करी, जो हमने एक्सपीरियंस करी, वो हम पे आपसे शेयर करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।